डॉक्टर अरुण उपाध्याय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें और अपना उपचार आप स्वयं कर सकें घर बैठे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि वीडियो बहुत देरी से अपलोड हो रही है आजकल, लेकिन बस समय का अभाव रहता है कई बार। बाकी आगे से मैं कोशिश करूंगा, प्रयास मेरा ये रहेगा कि दूसरे से तीसरे दिन आपको एक नई वीडियो मिल जाए। तो चलिए, आज का विषय हमारा ओरल आइकन प्लेनस को लेकर। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो मुझे देख रहे होंगे इस समय और ये विषय पहली बार सुनने को मिल रहा है उन्हें कि ओरल आइकन प्लेनस होता है क्या है। तो एक आम भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि कई बार आपने देखा भी होगा कि मुंह के अंदर यानी गाल के अंदर की तरफ एक व्हाइट पैचिस हो जाना या छोटे छोटे से कह देते हैं कि भाई छाले टाइप हो जाना, व्हाइट छाले पड़ जाना या व्हाइट कलर की सफेद कलर की एक लेयर सी बन जाना, तो इसको ओरल लाइकन प्लेनस कहा जाता है, जो मुंह के अंदर होती है परेशानी। तो इसको पूर्ण रूप से स्थायी तरीके से अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो मैं हर वीडियो में कहता हूं भाई आयुर्वेदिक अपना लो, ठीक हो जाओगे पूरी तरह से। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता देता हूं देसी, जिसको आप अपना कर ओरल लाइकन प्लेनस की परेशानी जो आपको परेशान कर रही है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये विषय ऐसा है अगर बढ़ता चला जाए तो माउथ कैंसर में डेवलप हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई आपको माउथ कैंसर है या ऐसी परेशानी बनने जा रही है, भाई यह है कि आगे के लिए अगर हमें सिक्योर होना चाहिए, होना चाहते हैं कि भाई हमें ये परेशानी है आगे ये बड़ा रूप ना ले ले, तो इसको अभी खत्म करना बहुत जरूरी है। बहुत से इस विषय को लेकर घबरा जाते हैं, बहुत से अगर एलोपैथिक के पास जाते हैं वो डरा डरा के बातें करते हैं, भाई अभी ये परेशानी आगे हो जाए। ठीक है भाई आगे हो जाएगा, लेकिन ऐसी बातें करना भी सही नहीं है, इससे पेशेंट धैर्य खो बैठते हैं और परेशानी उनकी बढ़ती चली जाती है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जो नुस्खा मैं बताऊं वो अपनाएं और ठीक आप हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि परेशानी आगे ना बदले, ज्यादा बड़ी गंभीर बीमारी ना बने, तो भाई अभी अपनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अगर कारणों की बात करें कि होता क्यों है, तो इसका मुख्य कारण, सबसे ज्यादा मुख्य कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज के कारण। जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके सेल्स कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, डेवलपमेंट इनका सही से नहीं होता या डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, तब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार ज्यादा लंबी पुरानी कब्ज के कारण भी ये परेशानी हो जाती है। कई बार हम ये ऊट पटांग खाना खाते हैं तब भी परेशानी हो जाती है। कई बार बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई सिगरेट का, तंबाकू का, बीड़ी का इस्तेमाल ज्यादा, एल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी पनप जाती है परेशानी। हालांकि तंबाकू वगैरह से परेशानी उत्पन्न हो जाती है, सिगरेट से परेशानी उत्पन्न हो जाती है, इसी तरह की जो व्हाइट पैचेस होते हैं उसको ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है, लेकिन ये ल्यूकोप्लेकिया के बारे में मैं नहीं बता रहा आपको, गौर करें। ल्यूकोप्लेकिया के बारे में आगे कभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि वो क्या है और इसमें क्या अंतर है। बहुत से ल्यूकोप्लेकिया होता है तो वो इसको ओरल आइकन प्लेनस में कह देते कि भाई आपको ओरल आइकन प्लेनस की परेशानी है, लेकिन वो ल्यूकोप्लेकिया होता है, क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है, कभी भी वो कैंसर का रूप नहीं बनता। तो चलिए इस विषय में बाद में बात करेंगे, आज बात कर रहे हैं ओरल आइकन प्लेनस के बारे में। तो इसके दो चार यही कारण है भाई, मुख्य कारण मैंने बता दिया, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण ऐसा होता है। और होने को अगर देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है परेशानी। और अगर उम्र की बात करें इसमें कि किस उम्र में ज्यादा परेशानी होती है, तो 30-35 साल के बाद ज्यादा पनपती है। हालांकि बच्चों में भी देखी जाती है, वयस्कों में भी, बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी, लेकिन अगर तुलना करें ज्यादा किसमें देखने को मिलती है तो 30-35 साल से उम्र के व्यक्ति को, महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। और मैंने जैसा कहा कि महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर अनुपात की बात करें, अगर किसी 10 इंसान को है तो उसमें से कम 6 से 7 महिलाएं होती हैं, 3 से 4 व्यक्ति होते हैं। तो चलिए अब बात करें कि इसमें लक्षणों की, कि भाई इसमें लक्षण क्या नजर आते हैं। सबसे बड़ा लक्षण होता है कि मुंह के अंदर खुश्की महसूस होना, हमेशा सूखा सूखा सा महसूस होना, गालों के अंदर खिंचाव सा महसूस होना, जलन महसूस होना, कई बार हल्का हल्का सा पेन होते रहना, कुछ भी अगर मसालेदार आप चीजें खा रहे हैं वो लग रही है जैसे छालों में लगती है, इस टाइप से महसूस होना, अंदर की गाल के अंदर की चमड़ी फट जाती है और एक लेयर सी चमड़ी उतरती चली जाती है इसकी, और साइड में व्हाइट कलर के यानी कि सफेद कलर के छाले टाइप बन जाते हैं, चमड़ी मोटी हो जाती है, वहां की एक लेयर परत जम जाती है और एक व्हाइट कलर की सफेद कलर की लाइनिंग आ जाती है इसमें।
और सबसे मुख्य कारण ये भी देखने को मिलता है, जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव डिप्रेशन ज्यादा लेते हैं, उनको भी परेशानी मुख्य तौर से हो जाती है। और बहुत से लंबे समय तक दवाइयों का सेवन अगर करें, उनको भी ये डिजीज परेशान करती है। अब लंबे समय तक दवाई का सेवन, बहुत सी बार ऐसा होता है बीपी पेशेंट है, बहुत लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, लंग्स पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, तो तरह तरह की दवाइयां लंबे समय तक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो उनसे भी ये परेशानी हो जाती है। कोई डेंटल कैविटी होती है, यानी कि दांतों की किसी भी तरह की परेशानी होती है, मसूड़ों की परेशानी होती है, या दांत कई बार इस तरह का होता है कि ये गालों पर टच होता है, रगड़ खाता है, उसकी वजह से भी ये उत्पन्न हो जाती है परेशानी। और कई बार ऐसा भी कारण देखा है कि ये जेनेटिक भी मानी जाती है, अगर किसी के माता पिता को, बाप दादाओं को थी, तो भाई बच्चों में भी पनपने का खतरा रहता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर ये बहुत बड़ा रूप ले ले, बहुत समय, बहुत लंबा समय हो चुका है, तो भाई अगर काफी लंबा समय हो चुका है तो पहले एक बार चेकअप करा ले। अगर ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, आपको 10-20 साल हो चुके, तो भाई प्लीज कृपया करके एक बार चेकअप करा ले, क्योंकि ये डेवलप हो जाता है माउथ कैंसर में। तो ऐसा, खैर ऐसा मन में सोच विचार ना करना, कभी आपको ये परेशानी हो आप सोचने लगो यार मुझे माउथ कैंसर तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि शुरू में ही पनप जाता है, बहुत लंबा समय चाहिए इसके लिए, तो आप बिल्कुल घबराए ना, धैर्य रखें। जो मैं औषधि बताऊं वो बिल्कुल सटीक उपचार है, आजमाया उपचार है, और मैं हर वीडियो में कहता हूं उपचार मैं वही दूंगा आपको जो अपनाया हुआ हो, मैंने प्रयोग किया हुआ हो। मैं कोई ऐसा उपचार नहीं बताऊंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, कि भाई आपको बता देता हूं रिजल्ट आएगा, भाई कमेंट आएंगे मेरे पास, फोन कॉल्स आएगी दोपहर को 2 से 3 के बीच में, उसमें बता देंगे भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उपचार किया है, बहुत पेशेंट इसे क्योर हुए हैं 101% स्थायी तौर से, दोबारा उत्पन्न नहीं होगी परेशानी। तो चलिए मैं सीधे उपचार की तरफ चलता हूं, बातें आज बहुत हो चुकी हैं। तो उपचार के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लगाने वाली औषधि, मैं ज्यादा औषधि नहीं बताऊंगा कि भाई ये ले लें, ये नहीं तो ये ले लें, ये नहीं तो ये ले लें, उससे असमंजस भी होता है। और ये है कि भाई जिसका मैंने रिजल्ट देखा है, अपनाया है जिन्होंने, जिस पे रिजल्ट आया, मैं वही चीज बताऊंगा। तो लगाने के लिए आप सबसे पहले सुहागा ले लें, यानी बोरेक्स, और दूसरा ले लें आप फिटकरी यानी एल्यूम। अब करना क्या है, 20-20 ग्राम की मात्रा में दोनों ले लें, किसी भी कढ़ाई में तवे की सहायता से उस पर रख दें उसको गर्म करने के लिए। अब गर्म करेंगे पिंगल सा जाएगा, फिर उसके ऊपर चिपक सा जाएगा, उसके बाद ठंडा करके उसको किसी भी सहायता से छुटा लें अच्छी तरह से, और फिर उनको दोनों को मिक्स करके पीस लें। मिक्स करके ही भून सकते हैं, अलग अलग भी भून सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, एक साथ करना एक साथ कर लें। सुखा कर उसको पीस के पाउडर बनाकर रख लें। अब आपको ये लगाना है, लगाना कैसे है, आपको थोड़ा सा ये ले लें, जितने हिस्से में लगाना है 1/4 चम्मच ले लें, आधा चम्मच ले लें, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, या बिना शहद के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब उसको लेकर चुटकी से हल्का हल्का सा डाल दें, और उंगली से या जीभ से वहां पर टच कर लें, वहां पर लगना चाहिए। 5 से 10 मिनट बाद नॉर्मल ठंडा पानी ले, यानी कि गर्म पानी की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठंडा पानी ले, कुल्ला करें मुंह के अंदर, ये ले 2 घूंट पानी ले, कुल्ला करें और उसको बाहर फेंक दें, अगर अंदर भी चला जाएगा कोई आपत्ति नहीं है। अब बहुत सी बार ये स्थिति आ जाती है कि भाई फिटकरी कहां से ले, सुहागा कहां से ले, तो किसी भी पंसारी से आप ले ले, टंकन भसम और सप्तिक भसम, ये दोनों भसम है ये, यानी कि टंकन भसम हो गई आपकी सुहागा यानी कि बोरेक्स, और सप्तिक भसम हो गई आपकी फिटकरी यानी कि एल्यूम। ये बनी बनाई भसम है, इसको कोई गर्म नहीं करना, कोई तवे पे कोई तो कोई कढ़ाई पे नहीं, ये बनी बनाई भसम है सेम एज इट इज, जैसे मैंने बताई थी बनाने के लिए। तो टंकन भसम ले ले, 10-10 ग्राम की मात्रा में आती है शीशियां, टंकन भसम ले ले, सप्तिक भसम ले ले 10-10 ग्राम, चाहे किसी भी फार्मेसी की मिल जाए कोई आपत्ति नहीं है, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। तो दोनों को एक ही डब्बी में मिक्स करके रख ले, 2 डब्बी है आपके पास भस्मों की, तो दूसरी डब्बी में मिक्स करके अच्छी तरह से रख ले, उसी तरह से आप लगाने के लिए प्रयोग में ले ले, आधी चम्मच या 1/4 चम्मच ले ले, थोड़ा सा शहद मिलाए उसके अंदर और लगा ले अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट बाद। नॉर्मल पानी, ठंडा पानी ले ले, कुल्ला कर ले जैसे मैंने बताया था, और बाहर भी फेंक सकते हैं, और अगर वो थोड़ा बहुत अंदर चला जाए कोई आपत्ति नहीं होगी। तो लगाने के लिए तो ये करें रेगुलर, दिन में एक बार कर ले या 2 बार कर ले कोई आपत्ति नहीं है, सुबह शाम भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं। अब खाने के लिए कुछ मैं औषधियां बता रहा हूं, ये सेवन कर ले साथ में, तो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। अब खाने के लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है गिलोय, दूसरा लेना है आपको मुलहटी, तीसरा लेना है सूखा हुआ आंवला, चौथा लेना है आपको माजूफल। ये भी आसानी से मिल जाएंगे आपको किसी भी पंसारी, पंसारी उसे कहा जाता है जहां पर जड़ी बूटियां मिलती हैं, द
दवाइयां मिलती हैं। तो किसी भी आप पंसारी से संपर्क कर लें, मिल जाएगी आपको आसानी से। जैसा मैंने कहा, गिलोय, सूखा हुआ आंवला, मुलहटी और माजूफल, ये चार चीज ले लें बराबर, 50-50 ग्राम ले लें। इन केस आपको माजूफल नहीं मिलता तो आप माजूफल अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि माजूफल ऐसी चीज है हर जगह हर क्षेत्र में वैसे तो मिल जाता है मोस्टली, लेकिन बहुत से कहते हैं भाई माजूफल हमें नहीं मिला, पीछे मैंने एक दो वीडियो में उसका उपयोग बताया था लेकिन उनको नहीं मिला। तो माजूफल अगर नहीं मिलता तो उसको अवॉइड कर दें, मिल जाए तो वेल बेटर है, नहीं मिलता तो परेशान बिल्कुल ना हो, फिर तीन चीज ही ले लें जैसा मैंने बताया था, सूखा हुआ आंवला, मुलैटी और गिलोय, ये ले लें, और मिल जाए तो चौथा माजूफल भी मिला लें इसके अंदर। अब ये चारों को लेकर 50-50 ग्राम बराबर लेकर सबको एक साथ मिक्स करके पीस के पाउडर बना लें। अब एक ही पाउडर आपका तैयार, आप अलग अलग करके पीस सकते हैं, एक साथ भी पीस सकते हैं, अलग अलग करके पीसना है फिर भी आप एक साथ ही मिक्स करके एक डब्बे में रख लें। अब लेना कैसे है आपको, आधी आधी चम्मच सुबह शाम पंखी ले लें, इसकी आधी चम्मच लें सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, आधी चम्मच लें पंखी लें, अपना नॉर्मल ठंडा पानी पी लें, गुनगुने पानी का सेवन इसके अंदर नहीं करना। तो आप नॉर्मल ठंडे पानी से ले लें आधी चम्मच सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, आधी चम्मच रात को खाना खाने के बाद बस। तो सुबह शाम इसी तरीके से ले लें, आपकी परेशानी यकीन मानिए खत्म होती चली जाएगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसमें, लगभग 2-3 महीने आपको सेवन करना है, लगाने वाली औषधि का भी और खाने वाली औषधि का भी। लेकिन हाँ, मैं ये श्योरिटी कहता हूं आप बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं है। 2-3 महीने का भी अगर खर्चे की बात करूं मैं दवाई का, औसतन कितना आएगा भाई, कितना खर्च होगा आपका, तो 300-400 रुपए खर्च हो जाएंगे बस हद से 2-3 महीने के अंदर अंदर, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है भाई औषधि में। आप करके देखें एक बार, रिजल्ट आपको 101% मिला, घबराएं या टेंशन बिल्कुल ना ले। दूसरा, परहेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, तली हुई चीजें ये कम से कम कर दें, नहीं खाएंगे ज्यादा अच्छा है, ज्यादा जिसमें मिर्च मसाले होते हैं भाई वो लगेंगे भी और इसमें भी नुकसान करेंगे। नॉनवेज कम से कम कर दें, वैसे तो इसमें नॉनवेज खा सकते हैं लेकिन नॉनवेज का कम सेवन करें, बाहर के फास्ट फूड वगैरह तली हुई चीजें इसमें नुकसान देती है। खटाई का सेवन ना के बराबर करते हैं, अगर कोई अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल ना ले, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन, गुटखे का सेवन इसके अंदर अवॉइड कर दें अगर करते हैं तो, और नहीं करते तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। तो अगर कोई करता है अल्कोहल का, बीड़ी सिगरेट का, तंबाकू का, गुटखे का सेवन तो इसके अंदर ना करें। खाने के लिए आप हरी साग सब्जी का सेवन करें, घर में फल फ्रूट का सेवन करें, जूस का सेवन करें, कोई आपत्ति नहीं है। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है जूस पीने का तो ऐसा नहीं है भाई, कंपलसरी है जूस पीना जरूरी है तो जूस का सेवन ऐसा नहीं है भाई, आवश्यक है जो पी सकता है पी ले, फल फ्रूट खाए, हरी साग सब्जी दालों का सेवन करें, लेकिन जो बताया है परहेज रखें आप साथ में। अब बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है साथ में तो वो चला भी सकते हैं, इसके साथ में कोई आपत्ति नहीं है, आप ले सकते हैं, एलोपैथिक के साथ में भी चल जाएगी। और अगर किसी को बहुत बड़ी परेशानी या असमंजस हो चुका है तो एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं आप, इन एक तो मैंने खाने वाली औषधि बताई, एक लगाने वाली, ये तो कंपलसरी करनी करनी है हर पेशेंट को, जिसको ये परेशानी है, जिसको ओरल लाइकेन प्लेनस की परेशानी है वो जरूर करें 101%। आप समझ गए होंगे, मैंने थंबनेल में पिक भी दिखाई है इसकी कि ओरल लाइकेन प्लेनस दिखने में कैसा होता है। अब यहां वीडियो के माध्यम से मैं जैसा समझा सका, जैसा उचित लगा मुझे, मैंने समझाने की कोशिश करी और आपने समझ भी लिया होगा, किसी ने नहीं समझा तो आप समझ जाएं ओरल लाइकेन प्लेनस होता क्या है, वीडियो मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो आप ये कर लें पूर्ण रूप से, अगर किसी की एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो साथ में वो चला सकता है, कोई आपत्ति नहीं। जब आपको लगे कि हाँ भाई क्योर हो रहा है तो एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ दें, और एलोपैथिक मेडिसिन आपने स्टार्ट ही नहीं की तो कोई आवश्यकता नहीं है करने की, जो बताया इस वीडियो में वो ही कर लें बस, पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया था अभी, अगर किसी को ज्यादा बड़ी परेशानी तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें, थूजा 1M ड्रॉप आती है होम्योपैथिक स्टोर पे, आसानी से मिल जाती है थूजा 1M, मैंने पिक शो कराई है, थूजा 1M ले लें होम्योपैथिक स्टोर से ले लें, नहीं तो ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर आप यानी कि गूगल पे सर्च करें थूजा 1M बाय, कि बाय कहां से खरीदे हम, लिंक अपने आप ही आ जाएंगे, अमेजोन पर भी है और मेरे ख्याल से तो अधिकतर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, 1MG है एक एप्लीकेशन उस पर भी मिल जाएगी, नहीं तो नियर बाय कहीं भी होम्योपैथिक शॉप है आपकी तो वहां पर ले लें थूजा 1M। इसको आपको लेना है हर 15 दिन में एक बार, सिर्फ 15 दिन में एक बार लेना है, डायरेक्ट टंग पर डायरेक्ट जीभ पर आप डाले, ड्रॉपर से 2 ड्रॉप बहुत है इसकी, 2 ड्रॉप डाले डायरेक्ट टंग पर और ले लें, उससे कम 1 घंटे बाद कुछ खाना पीना करें,
सुबह दोपहर शाम कभी भी एक बार ले लें, हर 15 दिन में, अपना 15 दिन में अपना कैलेंडर में एक मार्क लगा लें कि हाँ भाई आज लिया हमने, 15 दिन बाद इस दिन लेनी है, फिर अगले दिन मार्क लगा लें 15 दिन अब हो जाएंगे। हर 15 दिन में एक ड्रॉप ये ले सकते हैं आप, दो दो बूंद डायरेक्ट जीभ पर, ऐसे टंग पे करेंगे आप तो टप 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 की आवाज सुन ले, दो ड्रॉप बहुत है, यानी कि 15 दिन में एक बार, बस आप साथ में ये कर लें तो ज्यादा उचित रहेगा। और किसी को शुरू में इस्तेमाल करनी है, भाई चाहता है वो कि भाई अभी परेशानी उत्पन्न हुई है जल्दी खत्म हो जाए, तो थुजा 1 mg का इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, लगाने वाली, खाने वाली और थुजा 1 mg का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बस आपकी परेशानी भाई रियलिटी बताऊं तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाए। कहीं ना जाए, किसी को पैसे ना दे, अपने पैसे अपने ऊपर खर्च करें, अपना इलाज आप स्वयं कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी भी ज्यादा खर्चा के और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बस। और कोई भी आपत्ति दोपहर को फोन करें, 2 से 3, अभी 2 दिन में अवेलेबल नहीं था, लगभग 10 और 11 तारीख में एक फंक्शन था, वहां जाना पड़ा, बहुत जरूरी, घर में ही फंक्शन था, तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप परेशान हुए होंगे, मैं फोन ले जाना भूल गया था, मैं यहां नहीं था, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। बाकी आप ये कर लें, आप ठीक हो जाएंगे, बाकी कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो अपलोड करूं मैं, बस। बाकी इस वीडियो में यही कहना था, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।